उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आज शुभम श्रोति फाउंडेशन के द्वारा शुभम की पुण्यतिथि एवं शुभम श्रोति फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर ट्रैफिक वॉरियर्स वी का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही लखनऊ स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कर्मियों को उनके उत्तम कार्य की सराहना करते हुए उनको प्रशस्ति पत्र, फूल एवं कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष श्रोति ने बताया कि उनके सुपुत्र की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना है एवं ट्रैफिक कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है। फाउंडेशन द्वारा लखनऊ स्मार्ट सिटी पूरे सप्ताह लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर जाकर ट्रैफिक वॉरियर्स को सम्मानित करेगी। जुलाई 2010 को मेरे लौटे पुत्र शुभम का एक सड़क दुर्घटना में ध्यान था और तभी उसी ये शुभम श्रोति फाउंडेशन का गठन हुआ और सिर्फ एक ही मुद्दा मैं लेके चला हूँ, सड़क सुरक्षा जागरूकता। पिछले 10 आज 10वां स्थापना दिवस है शुभम श्रोति फाउंडेशन का और पिछले 10 वर्षों में लगातार हम ट्रैफिक पुलिस के साथ, लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के कुछ ना कुछ अपना योगदान देते चले आ रहे हैं ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। उसी कड़ी में आज 10वें स्थापना दिवस के मौके पे हमने आज से प्रारंभ किया है ट्रैफिक वॉरियर वीक। ट्रैफिक वॉरियर वीक में ये है कि हम जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने कठिन दौर में, वैश्विक महामारी के दौर में इतनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सुदृढ़ ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो हम अपने माध्यम से, शुभम श्रोति के माध्यम, फाउंडेशन के माध्यम से आज इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। आज हजरतगंज चौराहे पे हमारे जो भी पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स, PSI वगैरह थे, उनको सम्मानित किया और उनको टोकन के रूप में मास्क दिए, फेस शील्ड दिए और सर्टिफिकेट देके उनका सम्मान किया। ऐसे ही हम पूरे हफ्ते किसी न किसी चौराहे पर करेंगे और इसमें लखनऊ स्मार्ट सिटी जो कैंपिंग जो प्रोजेक्ट है वो लोग हमारे साथ हैं और लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।